हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपना मुतालबा पहुंचाना चाहते हैं कि जो गुजर बकरवाल तबके को एसटी जो है गवर्नमेंट ने दी हुई है वो एस कैटेगरी में किसी भी जो बाहर की कम्युनिटी जो है बाहर की दूसरे लोग आज इंक्लूड होना चाहते हैं इलीगली, तो हम उनकी उस इलीगल इंक्लूजन की जो है वो मुकम्मल जो है मुखालफत करते हैं और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो इस किस्म की कोई भी कार्रवाई ना करे जिससे गुजर बकरवाल तबका के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचे, क्योंकि गुजर बकरवाल कौम है जो है ये कबीला ये एक देशभक्त कौम है, देशभक्त कबीला है और इन्होंने हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियत के लिए अपने आज तक जानों के नजराने दिए हैं और आज अगर इन लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ये किसी भी सूरत जो है वो काबिले कबूल नहीं होगा। दूसरी बात, मंडी में पिछले दिनों कुछ लोगों ने चंद एक चार आदमी थे बैठ के कोई स्टेटमेंट दिए थे गुजर कम्युनिटी के खिलाफ, तो आज हमारे जो मंडी के गुजर बकरवाल तबका के भाई हैं ये सारे इन्होंने मिल के जो है मुझे भी फोर्स किया कि आप उनसे आएँ क्योंकि आप गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको लीड कर रहे हैं। तो आज इनके इसरार पे हम भी यहाँ पे आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार किया, एक प्रोग्राम भी हमने किया यहाँ पे जिसमें हमने अपने लोगों को बताया कि जो उनके राइट्स हैं जो उनके हकूक हैं वो किस तरीके से पामाल होने जा रहे हैं और हमने अपने हकूक को बचाने के लिए जो है वो कैसे जदोजहद करनी है। देखिए जी, आपने कहा पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो बड़े लीडर्स चुप हैं, तो मैं कहूँगा लीडर्स जो है वो किसी तहरीक को नहीं बनाते हैं बल्कि तहरीक जो है वो लीडरों को बनाती है। हम एक तहरीक के साथ वाबस्ता है और हमारी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा इससे पहले भी जो गुजर तहरीक थी, गुजर फ्रंट जब बना था तो इसी फ्रंट ने इससे पहले दो इलेक्शंस में पार्ट प्ले किया और उन दो इलेक्शंस में आप तारीख गवाह है कि गुजर फ्रंट ने जिस भी कैंडिडेट को सपोर्ट किया था वो यहाँ से जीता और लीडर बना और वो आला पाया का लीडर बना। तो अगर आज ये लीडर खामोश हैं, अगर गुजर बकरवाल तबका के हकूक के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है तो आने वाले वक्त में तबका जो है हमारी कौम जो है वो इन लीडर्स को जवाब देगी, क्योंकि जो कौम लीडर बनाना जानती है वो कौम उन लीडरों को कुर्सी से उतारना भी जानती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी को देशभक्त नहीं समझते, ना ही हम देशभक्ति या देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर नागरिक जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है हम समझते हैं कि वो देशभक्त है, लेकिन हम अपनी कौम की बात रखते हैं कि हम एक देशभक्त कौम है। हमने उस वक्त भी जब जम्मू कश्मीर की सरहदें जो है 63 में 71 में जब जम्मू कश्मीर की सरहदें जो है वो छलनी हो रही थी, जब हमारे जवान सरहदों पे शहीद हो रहे थे, तो ये गुजर बकरवाल तबका के लोग ही थे जो सामने आ रहे थे और आके इंडियन आर्मी के साथ और हिंदुस्तानी फोर्स के साथ सेना के साथ मिल के शाना बशाना जो है कभी पाकिस्तान के साथ इन्होंने जंग लड़ी, कभी चाइना को इन्होंने डिफेंस किया और हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान की सरहदों को बचाया है। तो ये कौम जो है एक देशभक्त कौम है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, कुछ लोगों का ये मकसद है कि गुजर और पहाड़ी को लड़ाया जाए, कौम में और समाज में तकसीम पैदा की जाए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कतन ये मकसद नहीं है कि हम किसी के दरमियान तकसीम या तफरीक पैदा करें। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये वाजिया कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वाजिया मकसद है कि सरकार हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उनको भी रिजर्वेशन दे, लेकिन उनको रिजर्वेशन पीएसपी कोटा के अंडर जब 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी सरकार ने दी हुई है उस 4% रिजर्वेशन को बढ़ा के गवर्नमेंट 10% करे और उसे सेंटर में रिकॉग्नाइज करे। लेकिन जो लोग हालात खराब करने के दर पे हैं उन लोगों को ये बात रास नहीं आती है और वो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमें चाहिए तो सिर्फ एसटी ही चाहिए। तो मेरा उनसे भी ये सवाल है कि आपको एसटी ही क्यों चाहिए, जम्मू हिंदुस्तान में और भी कैटेगरीज हैं, आप एससीज में इंक्लूजन की मांग नहीं कर रहे हैं, आप ओबीसीज में इंक्लूजन की मांग नहीं कर रहे हैं, आप किसी और कैटेगरी में नहीं मांग कर रहे हैं, आप सिर्फ एसटी में ही आने की मांग कर रहे हैं, जिससे मंशा साफ जाहिर होती है इन लोगों की कि ये लोग गुजर और पहाड़ी दो लोगों को आपस में, दो भाइयों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम वाजा कहना चाहते हैं कि हमारे पहाड़ी भाइयों को अगर पीएसपी का कोटा ऑलरेडी मिला हुआ है तो उस कोटे को बढ़ा के 10% किया जाए और जो हमारे एसटी का कोटा है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। हमारे जितने मंडी के गुजर भाई थे, गुजर यूथ ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार किया और हमारा साफ ये कहना है कि हमारे पहाड़ी भाई हैं जो और गुजर भाई हमें लड़ाने का जो काम कर रहे हैं लीडर लोग, इनकी जो रोटी सीकनी बंद हो गई है अब, तो हमें रिजर्वेशन मिली जो उसके बाद ये लोगों ने क्या कर दिया भाई, पहाड़ी और एसटी को लड़ाना शुरू कर दिया। तो ऑलरेडी जो आपके पास 4% पहाड़ी दी गई है पीएसपी, उसको इंक्रीज़ करके 10% दी जाए, तो ये लड़ाने का कौन सा काम है भाई। जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने आज सोच लिया कि हमारा काम तो बंद हो गया भाई, हमारी दुकानें चलनी बंद हो गई हैं, आप बीच में पहाड़ी और गुजर की लड़ाई लगा दी उन सब ने। तो मेरा ये कहना है कि मान लो जिस टाइम 91 में हमारे गुजर या ये ला बनी थी उस टाइम
इन लोगों ने भी अपनी मांग रखी थी, तो उस टाइम अगर इनको नहीं दिया गया, मेरा ये कहना है कि अगर हैंडीकैप इंसान होगा तो उसको 2 साल या 1 साल में ही उसका पेंशन भी लग जाती है, उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। तो इन लोगों को 40 साल बाद तक आज 5-4 साल में इतनी चीज़ें याद आ गई, आज जब ये सत्ता में थे तो ये कहाँ थे, ये उस टाइम कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि इनका सब चल रहा था ना। आज सब चीज़ें बंद हो गई हैं, उसमें अब बस गुज्जर पहाड़ी उठ के लड़ाई झगड़े हर जगह पर लगे हुए हैं।